भारतीय जनता पार्टी अकलीती मोर्चा के सदर जनाब शेख बशीर साहब, मेरे साथ इस टूर में आए हुए डॉक्टर बकुल वार साहब, मदरसी वाली साहब, सीनियर लीडर सब आए हैं उसी चीज को करेक्ट करने के लिए। ठीक है, अपनी बात सब लोग रखी है। सबसे पहले संगठन मजबूत, पार्टी मजबूत। जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा, पार्टी मजबूत नहीं होगी। संघ की बुनियाद रखने वाले MM वार साहब, मियां मुश्ताक साहब, GM मीर साहब और बहुत सारे यहाँ पे, क्योंकि अगर हम नाम, यहाँ का हर एक फर्द एक तहरीक और एक तंजीम है। मुझे 2 घंटे बैठने से यहाँ पे एक चीज महसूस हो रही है, यहाँ की ये धरती, यहाँ की ये मिट्टी मुझसे एक चीज डिमांड कर रही है, वो हमारे असलाफ जो इस सरजमीन से उठे थे, जिनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि मैं जमाल सिद्दीकी साहब को ये इनके सामने ये जरूर रखना चाहूंगा, ये वो जरखेज जमीन है जिन्होंने मौलाना अनवर शाही कश्मीरी को पैदा किया। हजरत, हम उस सरजमीन पे हैं जो हमें हिंदुस्तान की हिस्ट्री को याद करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जब इस मुल्क में अंग्रेजों का दौर था, जुल्म इंतहा पे था और गुलामी का निजाम चल रहा था, तो उसमें आप लोगों को भी ये पता होना चाहिए, ये जो आज आजादाना हिंदुस्तान है, इसको आजाद करने के लिए, इसको आजाद हिंदुस्तान बनाने के लिए इस जगह से मर्दे कलंदर हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी, जिन्होंने अपना खून देके इस हिंदुस्तान को आजाद हिंदुस्तान बना दिया। सरकार ची गरीब लोग लुकन सरकार, गरीब आवाम सरकार, क्या जमीन प्रधानमंत्री पान चाय कुनान ओसमुत प्रधानमंत्री बनोम, ये खानदानी राज कह आज शेख बशीर मोर्चा ड्यूटी प्रेसिडेंट, पगह मोन नेचू कर मे तम सेचू आज शेख बशीर पगह तहम कह ड्यूटी प्रेसिडेंट सोन बो क्या चो बन दो अकेत बन क मोन मीर मुश्ताक सब नह बारामूला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बो ये मेले ओत सो डिस्ट्रिक्ट सारी सम मैं कश्मीर के दौरे पर हूँ। यहाँ पर जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं शेख बशीर साहब, इन्होंने जोन वाइज विजिगेट लगाई है। इसके पहले मैं साउथ कश्मीर में था, वहाँ पे 18 विधानसभा के पदाधिकारियों के कारकुंदों की मीटिंग ली मैंने। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा आने वाले इलेक्शन में पूरी गंभीरता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ तैयारी कर रही है और इंशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर आने वाली है। आने वाले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी जो जम्मू कश्मीर का गरीब कार्यकर्ता है, जो पिछड़े हैं, जिनको अभी तक मौका नहीं मिला है, ऐसे लोगों को चुनाव में उतारेगी। और मुझे यकीन है कि कोई गरीब का बेटा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री भी बनेगा।